वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। कैसे हैं आप सब लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बगल में बेल घंटी होगी तो उसको भी हिट कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएगा। अगर वीडियो पे आ ही गए तो प्लीज इसको पूरा वॉच भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं फ्लिपकार्ट हॉल। जी हाँ, और मैं किसी का प्राइस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सामान थोड़ा सा पुराना हो गया है तो मुझे याद नहीं है, बट है बहुत अच्छी अच्छी सामान। तो आप जरूर से वीडियो वॉच कर लीजिएगा। मैं प्राइस मैं बाद में देख के मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगी, स्क्रीन पे आपको प्राइस लगा दूंगी और हाँ लिंक भी मैं इसका दे दूंगी। तो ये सारा जो है ना फ्लिपकार्ट हॉल है, ये सारे सामान फ्लिपकार्ट से खरीदा गया है। और ये आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, हटके है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपने दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। इसमें से आपको कौन सा सामान अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पसंद आया। तो मैं आपको बैग टू बैग दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्लिंग बैग दिखाती हूँ। तो दिस इज द माई फर्स्ट प्रोडक्ट। वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं। तो ये है स्लिंग बैग, ये फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ है और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो क्रीम कलर में है, वाइट कलर नहीं, क्रीम है। और आप देख सकते हैं ये चैन लगा हुआ है, हाफ ये चैन है और उसके बाद ये पूरा लेदर का इधर है पूरा, और बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं आप लोग, इसका प्राइस मुझे याद नहीं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी और मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये गंदा भी हो गया है क्योंकि 3-4 बार इसको यूज भी हो गया है। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ और बहुत ही अच्छा है। और स्पेस की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा है इसका खराब चीज मुझे यही लगा कि इसमें स्पेस बहुत कम है। आप नहीं चाहोगे, मतलब आप चाहोगे कि थोड़ा सा ज़्यादा सामान रख लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं इसमें स्पेस ही नहीं है, बहुत ही, ये थोड़ा सा ना बहुत ही कड़ा वाला है, टाइट वाला है, तो इसमें ज़्यादा आप सामान नहीं रख सकते हो। थोड़े से सामान के लिए अच्छा है, बाकी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ये, तो आप कुछ भी रख के ऐसे कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइट वाला है तो इसमें ज़्यादा सामान आप नहीं रख सकते। अदरवाइज अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये साड़ी पे भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसको यूज़ की थी और मैं साड़ी पे ले गई थी, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो बस इसमें सामान ज़्यादा नहीं हटेगा, अदरवाइज स्लिंग बुक बहुत अच्छा है। मैं फोटो भी लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा स्लिंग बैग के साथ कैसा लग रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सारे सामान मेरे नहीं हैं, ये भाभी के सारे फ्लिपकार्ट से हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने यूज़ कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि उन्हें भाभी का भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो अब मैं आपके साथ दिखाऊंगी लेगिंग्स है, दो उन्होंने, दो लेगिंग्स उन्होंने ऑर्डर किया है और देख सकते हैं एक ब्लैक और वाइट का, दो का कम्बो है। इसकी प्राइस क्या है, मैंने फिर से बोला कि इसकी प्राइस मुझे पता नहीं है। और आजकल ये चला है ऐसे, और ये नीचे नेट वाला है तो ये गर्मी के लिए काफ़ी अच्छा है। ये बहुत पहले का ऑर्डर है, अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। तो आप देख सकते हैं नीचे नेट वाला है ऐसे और ऊपर ऐसे है, ये कॉटन की है। और मैं आपको ये ज़्यादा दिन चलेगी नहीं मुझे पता है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, अगर कहीं आने जाने लायक सही है। और दूसरा कलर आप देख सकते हैं ये सेम दो के कम्बो में है, दिस इज द सेकेंड। और कुर्ती दिखाती हूँ, भाभी की जो कुर्ती लिया था, कुर्ती अच्छी है और कॉटन की है तो अच्छी है, और इसको यूज़ भी हुआ है इस कुर्ती का, सबसे अच्छी बात। और देख सकते हैं आप लोग इसका कलर जो है सी ग्रीन कलर है और बहुत ही हल्की वाली कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की वाली है। आपको इसके पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, गर्मी के लिए बेस्ट है। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ लेगिंग्स कुर्ती, ये गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अभी तो ठंडी में कॉटन की चीज़ें यूज़ नहीं होती है, तो उसका स्लीव भी देख सकते हैं आप लोग कुछ इतना लंबा है, और लेंथ भी अच्छी खासी है इसकी लेंथ भी, और इसके ऊपर वाइट प्रिंट वर्क नहीं है शायद, ये हाँ प्रिंट वर्क है, मे भी छूटेगा कि नहीं। और थोड़ा सा इसका गला में कुछ ऐसे है डिज़ाइन, वी में थोड़ा सा है, हाफ वी है। तो ये रहा माँ भाभी का फर्स्ट कुर्ती जो कि फ्लिपकार्ट से उन्होंने ऑर्डर किया था। और सेकेंड कुर्ती, ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही ज़्यादा येलो कलर है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द सेकेंड कुर्ती, और इसका भी कलर काफ़ी प्यारा है, येलो कलर है। तो ये कॉलर वाली है,
जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें कुछ बटन भी ऐसे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, और इसकी भी स्लीव कुछ ऐसी ही है, लंबी वाली स्लीव है और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये कॉटन की है, और सबसे अच्छी बात बहुत ही ज़्यादा हल्की है, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं पूरा मुट्ठी में ये आ जा रहा है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इसको बाय कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, मेरी भाभी घर पर सूट पहनती हैं तो इसलिए, और मैं आपको उनका सबसे अच्छा चीज़ दिखाने जा रही हूँ। और आपने वीडियो देखी कि नहीं, इस मेकअप लुक का जो मैंने साड़ी पहना था मेरी भाभी का ही था, मेरा नहीं था, और मुझे बहुत खूबसूरत साड़ी लगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी लगी। आप लेना चाहते हैं तो एकदम ले लीजिएगा, और इसकी प्राइस 400 समथिंग है, तो देख सकते हैं आप लोग। इसका मैं पिक लगा दूँगी या फिर वीडियो लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो दिस इज द फ्लिपकार्ट साड़ी, 400 समथिंग की ये साड़ी है, और येल्लो कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर के बॉर्डर के साथ है, और थोड़ा थोड़ा ग्रीन है और थोड़ा थोड़ा गोल्डन, और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की। अगर डेली यूज़ के लिए आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल से बिना किसी संकोच का आप इसको बाय कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप इसको हल्दी में पहन सकते हैं और कहीं भी घर भी पहन सकते हैं। अगर आप साड़ी, आपको पहनने का मन नहीं कर रहा है या फिर आपको साड़ी हैवी लगती है, तो ये साड़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है। तो 400 समथिंग इसकी प्राइस है, तो मैं आपको प्राइस स्क्रीन पर लगा दूंगी। अगर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा, आप जहाँ से जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इसका ब्लाउज जो है वो ग्रीन कलर का ब्लाउज है, ऐसे देख सकते हैं ग्रीन कलर का ब्लाउज है, और मैं आपको पिक लगा दूंगी तो आपको पिक से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे भाभी का ये फ्लिपकार्ट हॉल था तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। भाभी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन्होंने मंगाया था, यूज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा जो नए हैं रिसेंट है मैं उसका वीडियो बना लेती हूँ। मेरी भाभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो ये गाँव में रह के वो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो, अगर आप लोग मेरी भाभी से मिलना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, बाय।